हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की क्लास में पार्ट 6, उसमें क्या है, सब्जी है। ओके, ये हमारा भाग 3 है। तो बच्चों चलो, हम सब्जी में क्या आता है, जो हम खाते हैं। कोई सब्जी आपको बहुत अच्छी लगती है तो कोई सब्जी ऐसी होती है कि आपको अच्छी भी नहीं लगती, जैसे करेला, बैंगन, है ना। और आलू की सब्जी ऐसी कि सबको बहुत अच्छी लगती है। तो आज सब्जी के बारे में पढ़ते हैं कि सब्जी में हिंदी में क्या बोलते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं, हम दोनों ही सीखते हैं। ओके, चलो अपनी आइडल किताब को ओपन करो। पढ़ेंगे सब्जियों के नाम, साग भाजी। पहले पशु के नाम पढ़े, फिर पक्षियों के नाम पढ़े, आज हम सब्जी पढ़ेंगे, मतलब साग भाजी। सभी खाते हो सब्जी? सभी को आलू टमाटर सब अच्छा लगता है ना? करेला अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। तो सभी को सब्जियाँ खानी चाहिए, सभी सब्जियाँ बच्चों, उसमें विटामिन होते हैं, इसलिए सभी सब्जी हमको खानी चाहिए। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सब्जी का नाम दिया गया है, हम देखते हैं। देखो चित्र देखिए, पढ़िए और हिंदी में नाम लिखिए। चित्र जुओ, वाँचो और हिंदी में नाम लिखो। तो देखो ये चित्र दिए गए, चित्र देखते हैं पहले। ये किसका चित्र है? आलू। ये वटाणा, दूधी, भिंडो, फिर फुलेवर, गाजर, मूड़ो, कोबी, रींगणू, टमेटू, कारेलू और मरचू। आ बधा सब्जियों शाकभाजीना नाम छे। चलो हवे आपणे हिंदी में वाँचीए और गुजराती में वाँचीए, लखीए। तो देखो बच्चों, ये क्या है? बटाटा। बटाटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? आलू। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आलू। फिर ये क्या है? वटाणा। वटाणा को हिंदी में क्या बोलते हैं? मटर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मटर। फिर ये क्या है? दूधी। दूधी को हिंदी में बोलते हैं लौकी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लौकी। फिर ये क्या है? भिंडो। भिंडो को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिंडी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भिंडी। फिर बच्चों आगे है फुलेवर। फुलेवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? फूल गोभी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फूल गोभी। फिर ये क्या है? गाजर। गाजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गाजर ही बोलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर गाजर। ओके, फिर आगे क्या दिया गया? मूड़ो। तो मूड़ो को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूली बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मूली। फिर देखो एक गोभी है, गोभी को क्या बोलते हैं हिंदी में? पत्ता गोभी। आपके घर पे सब्जी बनती है गोभी की? तो गोभी को हम हिंदी में बोलेंगे पत्ता गोभी। फिर बच्चों आगे है रींगणू। रींगणू की हिंदी में बोलते हैं बैंगन, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। आपको अच्छा लगता है खाना? नहीं अच्छा लगता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैंगन बोलते हैं। फिर टमाटो। टमाटो की हिंदी में क्या बोलते हैं? टमाटर। फिर है बच्चों कारेलू। कारेलू की हिंदी में क्या बोलते हैं? करेला। फिर है मरचू। तो मरचू की हिंदी में क्या बोलते हैं? मिर्च। तो हम यहाँ लिख देंगे मिर्च। देखो फिर से हम देखते हैं, हमने क्या आलू, मटर, लौकी, भिंडी, फूल गोभी, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर, करेला और मिर्च। इतनी साग भाजी के नाम हमने देखे। अब ये नीचे दिया गया है, आ नाम पर जानो अने लखो। डूंगड़ी। डूंगड़ी की हिंदी में क्या बोलते हैं? प्याज। कोड़ू। कोड़ू की हिंदी में क्या बोलते हैं? कद्दू। फिर लींबू। लींबू की हिंदी में क्या बोलते हैं? नींबू। लहसुन। लहसुन की हिंदी में क्या बोलते हैं? लहसुन। मेथी। मेथी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेथी बोलते हैं। तो हमको यहाँ पर गुजराती में नाम लिख रहे हैं, यहाँ पर हिंदी वाले नाम लिखने हैं। ओके, चलो लिखते हैं हम। तो बच्चों लिखे हमने, देखो डूंगड़ी तो प्याज, कोड़ू तो कद्दू, लींबू नींबू, लहसुन तो लहसुन, मेथी हो गया बोलते हैं, मेथी ही बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या दिया गया? आगे दिया गया है प्रथम अक्षर के सहारे सब्जी का नाम लिखिए। प्रथम अक्षर के आधारे साग भाजी नाम लिखो। तो देखो प्रथम अक्षर देखते हैं हम,
ये सब दिखे, देखो फू आ गा लो सभी नाम दिए गए हैं। तो क्या लिखेंगे इस पे, क्या आएगा? म लिखा गया है तो मटर, तो हम लिखेंगे मटर, लिख दिया। फिर पा लिखा गया तो पा ल क पालक, मुँह लिखा गया तो मुँह ली। फिर ये क्या है, लसन का लिए तो ल अ सुन। फिर ये क्या बेटा, बे तो बे ग न, ये दिख रहा है ना बैंगन। फिर ये क्या आएगा, क रे ला, करेला आएगा यहाँ पे, है ना, क रे ला करेला। ये क्या ट है, तो ये क्या दिख रहे, टमाटर, तो ट मा ट र टमाटर। फिर ये मे, तो क्या लिखेंगे, मेथी। ये क्या दिखा गया, लौ, तो क्या आएगा यहाँ पे, लौकी। तो देखो ग है तो गा ज र गाजर। ये क्या आ, तो आ म, है ना। फिर क्या देखे, फूल, फो फू ल गो भी फूल गोभी। देखो हमने कितनी सब्जियों के नाम लिख दिए, देखो फिर से एक बार देखते हैं, फूल गोभी, मटर, पालक, मूली, लहसुन, बैंगन, करेला, टमाटर, मेथी, लौकी, गाजर और आम। इन सब सब्जियों के नाम हमने पढ़े और हमने लिख दिए। फिर बच्चों आगे दिया गया है, दुकान में रखी सब्जियों के नाम हिंदी में लिखिए। दुकान में गोठवायेली साग भाजी ना नाम हिंदी में लखो। तो देखो यहाँ पर सब नाम दिए गए, वो गुजराती में दिए गए, सभी को पता है, वो हिंदी में लिखने हैं। तो पहला क्या है, दूधी, दूधी को हम क्या बोलते हैं, लौकी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लौ की। फिर क्या, फुलेवर, फुलेवर को क्या बोलते हैं बच्चों, फूल गोभी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फूल गोभी। फिर है रिंगन, तो रिंगन को हम क्या बोलते हैं, बैंगन, बैंगन। फिर पालक, तो पालक को तो हम क्या बोलेंगे, पालक ही बोलेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पालक। गाजर को क्या बोलेंगे, गाजर ही बोलते हैं। फिर है बटेटा, बटेटा को क्या बोलेंगे हम, आलू। क्या बोलेंगे बटेका को, आलू। फिर है बच्चों आगे लहसुन, तो लहसुन को क्या बोलते हैं, लहसुन ही बोलते हैं, लहसुन बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लहसुन। फिर क्या, डुंगड़ी, डुंगड़ी तो हम क्या बोलते हैं, प्याज। तो प या ज प्याज। भिंडा, भिंडा को क्या बोलते हैं, भिंडी। क्या बोलते हैं भिंडा को हम, भिंडी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर भिंडी। फिर है मर्चू, तो मर्चू को हम बोलते हैं मिर्च। ओके बच्चों, तो इतनी सब्जी के नाम हमने पढ़े, देख रहे हैं आपको, देखो लौकी, फूलगोभी, बैंगन, पालक, गाजर, आलू, लहसुन, प्याज, भिंडी और मिर्च। ओके बच्चों, आज हमने कितनी सब्जियों के नाम पढ़े, आज हमें बच्चों साग भाजी का नाम बता वाचा। तो बच्चों आप इस वीडियो को देखना और समझना, और आपको इसने में कोई लिखने में प्रॉब्लम हो, कुछ गलत, कुछ समझ में नहीं आए, तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूँगी। PDF में देख देख के आप हिंदी की आइडल की बुक्स में लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।